हरियाणा सरकार प्रदेश में बिजली बिल संबंधी दिक्कतों से बचाने के लिए नई योजना पर काम कर रही है, जिसके तहत उपभोक्ताओं को बिजली के गलत बिल को लेकर कोई दिक्कत नहीं आएगी। बिजली विभाग के मुख्य सचिव पीके दास ने बताया कि बिजली विभाग बिल लेने के लिए पूरी तरह ऑटोमेटिक सिस्टम लागू करने के लिए काम कर रहा है। अक्सर देखा जाता है कि रीडिंग लेने के दौरान कई दिक्कतें आती हैं, जैसे निगम का कर्मचारी जब रीडिंग लेने जाता है तो घर पर ताला मिलता है या फिर मीटर घर के अंदर लगा होता है। कई बार कर्मचारी घर पर जाता है तो कोई होता ही नहीं है, जिस कारण बिल घर में फेंक दिया जाता है, और यदि उपभोक्ता समय पर बिल नहीं भर पाते हैं तो उन्हें भारी जुर्माना भी देना पड़ता है। ऐसी सभी परेशानियों से बचने के लिए बिजली विभाग नई योजना पर कार्य कर रहा है, जिससे लोगों को कोई दिक्कत ना हो। गर्मी बहुत बढ़ रही है, परसों रिकॉर्ड तोड़ गर्मी थी, इस सीजन का हाईएस्ट टेम्परेचर था पूरे साल का, और हर जगह बिजली की त्रासदी है। हमारे सिरसा में भी थोड़ा है, हमारे कट नहीं है। दिक्कत ये आ रही है कि शहर में ट्रांसफार्मर नए नहीं लगाने दे रहे लोग, जिसके दुकान के आगे लगाए थे मेरा ना लगाओ, घर के आगे लगाए, 3 लाख रुपए स्क्वायर फीट का जमीन का भाव है, अगर आज लगा तो कहीं भी एक हमें कोई ट्रांसफार्मर की कमी नहीं, कहीं नहीं। हम पे 12,000 मेगावाट है, और आज के दिन हमें बाजार में 3 रुपए 15 पैसे 3 रुपए 20 पैसे बिजली मिली, हमारी थर्मल की कोई 4 रुपए पड़ती है, हमारे थर्मल हमने रोक रखे क्योंकि हमें सस्ती मिल रही है।